प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बजट और आत्मनिर्भर भारत पर विस्तार से बात की। इसे लेकर उन्होंने कल सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और बजट बारीकियों के बारे में भी बताया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी निर्विरोध टीएमसी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनी गई हैं। पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी ने इस बात की जानकारी दी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 5 साल के बाद बुधवार को पार्टी के संगठनात्मक चुनाव कराए, जिसमें ममता को ही अध्यक्ष चुना गया। ममता के पक्ष में 48 समर्थकों ने नामांकन जमा किया, जबकि अध्यक्ष पद के लिए कोई भी दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अतरौली पहुंचकर राहुल गांधी पर तंज कसा। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने बोला, राहुल बाबा कहते हैं हम यहां आलू की फैक्ट्री लगा देंगे। आप ही बताइए, आलू कभी फैक्ट्री में होता है क्या? जिसको ये नहीं मालूम आलू कैसे होता है, वे कहने लगे कि हम किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। लखीसराय जिले के घोंगी कोरासी के जंगल में बुधवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 10 से अधिक नक्सलियों को गोली लगने की खबर है। अब तक 3 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेजा गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में हुए छात्रों के हंगामे के बाद गिरफ्तार हुए विकास जयराम पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने अदालत में बिना शर्त माफी मांग ली है। सोमवार को देर रात गिरफ्तार किए गए भाव 4 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में हैं। उन पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा है। भारत में कोरोना वायरस महामारी ने फिर पकड़ी रफ्तार। देश में एक्टिव केस की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नए केस 1.5 लाख के पार आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 1,61,386 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2,81,109 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 1,728 लोगों की मौत हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वीकली मीटिंग में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 को लेकर अहम जानकारी दी। WHO के मुताबिक BA.2 अब तक 57 देशों में पहुंच गया है। इसकी संक्रमण दर ओमिक्रॉन के दूसरे सब वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल पहली बार यूक्रेन संकट पर प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने के लिए उकसा रहा है। वह रूस की तरक्की पर लगाम लगाना चाहता है, इसके लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का बहाना खोज रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वित्त वर्ष 21 में सोना और चांदी आभूषणों के रूप में सेविंग में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि लोग अब फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में बचत का विकल्प चुन रहे हैं। SBI के रिसर्च टीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे लोगों के बीच बचत से जुड़े व्यवहारों में बदलाव के संकेत मिलते हैं। शेयर बाजार हफ्ते के तीसरे दिन भारी तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 695 पॉइंट्स बढ़कर 59,558 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 203 अंक बढ़त के साथ 17,780 पर बंद हुआ। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी रही।